जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है ना, तो बहुत खुशी का माहौल होता है। आस पड़ोस में मिठाई बांटी जाती है, बाजे बजते हैं, बहुत सारे लोग बधाई देने आते हैं, नाते रिश्तेदारों को भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। हम बहुत प्यार से उस नन्हे से मेहमान का स्वागत करते हैं। खैर, वो रही बात इंसान की, मैं एक इंसान नहीं बकरा हूँ, और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से खूबसूरत पहाड़ी गांव में हुआ था। हम दो भाई और दो बहन थे। आपकी तरह मेरा भी स्वागत खूब अच्छे से हुआ। हमारे पैदा होने पर भी लोग काफी खुश थे। मैं भी बहुत खुश था। पैदा होते ही मैं उछलने कूदने लगा। मुझे खाने को अच्छी घास मिलती थी, पीने को अच्छा दूध मिलता था। मैं काफी स्वस्थ था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ महीने का रहा होऊंगा, तभी किसी को बुलाकर मेरे जननांग कुचवा दिए गए। उस दिन मैं बहुत चिल्लाया, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। उस दिन मुझे पहली बार दुख का एहसास हुआ। मैं बहुत चिल्लाया, बहुत रोया। खैर, उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऐसे जीना सीख लिया, और मैंने सोचा शायद यही जिंदगी है। लेकिन उसके बाद मेरे शरीर में तेजी से वृद्धि होने लगी। मैं बहुत मोटा ताजा हो गया था। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ को कुछ लोग आए और लेकर गए। खैर, मुझे माँ के जाने का कोई दुख नहीं हुआ। मैं अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करने लगा। एक महीने पहले कुछ लोग आए और मुझे भी कहीं दूसरी जगह ले आए। यहाँ आकर मुझे खाना पीना बहुत मिलने लगा। हमेशा कुछ ना कुछ खाने को होता था। अब मैं खा खा कर बहुत मोटा हो गया हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं एक कसाई की दुकान पर रह रहा हूँ। यहाँ मैं अपने जैसे किसी भाई को रोज कटते देख रहा हूँ। ये देखना मेरे लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को ही रोज रोज मरते देख रहा हूँ। आज शायद मेरे जीवन का आखिरी दिन है, क्योंकि आज दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा है और कोई और बकरा नहीं है। आज मुझे सब समझ आ रहा है, क्यों मुझे इतना खाने को दिया जा रहा है। मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरे भाई बहन कहाँ चले गए। मुझे ये भी समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मारा ना गया तो हमारी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। संख्या तो हमारी ज्यादा वही है जहाँ हमें खाया जा रहा है, क्योंकि वहीं पर हमें पैदा भी जबरदस्ती किया जा रहा है ताकि आप हमें खा सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे जीवन की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। आप सबको मेरा अंतिम नमस्कार।